पर्पल शिमला मिर्च देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ये इससे आप बिजनेस भी कर सकते हैं। और इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पर्पल हमारी शिमला मिर्च लगी हुई है इसको आप कब लगा सकते हैं। आज की तारीख क्या है, आज 30 तारीख है मई की 2023 है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पर्पल जो शिमला मिर्च है ये आप अपने घर के अंदर कब लगा सकते हैं। ये मार्च अप्रैल में आप इसकी सीडलिंग ईजिली अपने घर के अंदर कर सकते हैं। और ये मैंने जो लगाई हैं ये तो हैं ऑर्गेनिक, इसलिए इनका साइज़ ज़रा छोटा रह गया, क्योंकि ये जो बीज होता है केमिकल तरीक़ों से तैयार किया होता है, हाइब्रिड बीज होता है। तो फिर अगर हम इसको केमिकल से पौधे को हटाते हैं तो फिर होता क्या होता ये है कि उसको वो वाली न्यूट्रिशन नहीं मिलती जो हम ऑर्गेनिक तरीके से देना चाहते हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से आपको हर 8 दिन बाद 6 दिन बाद खाद देना पड़ेगी, फिर जाके आपकी ये वाली शिमला मिर्च तैयार होंगी। अगर आप केमिकल तरीके पर आएँगे तो ये अच्छा खास है, आपके पौधे बढ़ जाएंगे पर्पल, येलो और रेड। आपको पता है ये वाली जो शिमला मिर्च होती हैं ये कितने महंगे दामों से सेल हो रही होती हैं, सब दोस्तों को पता होगा। ये एज ए सैलड के अंदर खाई जाती हैं ये वाली मिर्चें। तो अगर आप इसको घर की छत के ऊपर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और अच्छा खासा बिजनेस अपने घर के अंदर जनरेट कर सकते हैं। पहले एक आधी वैरायटी लाके लगाएं और कुछ पौधे बस लगाएं, ज़्यादा पौधे नहीं लगाएं और बीज अच्छी क्वालिटी के लें। अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो CKD वालों के बीज लगा सकते हैं, हाजी सन्स वालों के बीज लगा सकते हैं, उनसे आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लेकर फिर ये वाली जो शिमला मिर्च है आप अपनी घर की छत के अंदर या अगर आपके पास सहन है तो सहन के अंदर लगा सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक तरीके से लगाएंगे तो मार्केट में ऑर्गेनिक का इससे भी ज़्यादा महंगे दामों ये सेल होंगी। ये केमिकल जो वाली आती ना मार्केट के अंदर, वो 3 शिमला मिर्च अभी मैंने कुछ दिन पहले ये कारफोर में देखी हैं जो हैपर स्टार है इधर फोटरस के अंदर, वहाँ पे मैंने देखी तो 3 शिमला मिर्च नॉर्मल मीडियम साइज़ की पड़ी हुई थी और उनका रेट था 725 रुपये की 3 शिमला मिर्च। इमेजिन करें अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे ना तो ये इससे भी ज़्यादा महंगी होंगी। और आप इसको मार्केट के अंदर सेल ना करें, आप इसको ऑनलाइन सेल करें। जब आपको लगे कि आपका फल लगना शुरू हो रहा है और ये छोटा सा हो गया तो आप तब से एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दें और एडवांस बुकिंग लेनी शुरू कर दें। तो जो आपकी शिमला मिर्च है वो आप पैकिंग करें खूबसूरत तरीके से और इन शिमला मिर्च को आप घर के अंदर डिलीवरी कर सकते हैं। डिलीवरी करके भी आपको अच्छी खासी बचत होगी इन शिमला मिर्च के अंदर। यकीन करें आपके पास अगर आप ऑनलाइन इसको नहीं सेल करना चाहते तो आप रेस्टोरेंट वालों के साथ रब्ता कर सकते हैं, जो बड़े बड़े होटल होते हैं। अगर वहाँ पर आपकी एक्सेस है तो वहाँ पर भी एक आधी दफ़ा आप सैंपल फ्री में भेज कर दोबारा से उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट कस्टमर को आप सेल करेंगे, मतलब वो वाला कस्टमर जो घर के अंदर बैठा आपसे खरीदना चाह रहा है, तो वहाँ पे आपको रेट ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत रेस्टोरेंट के। ये तो हमारा लेक्चर था बिजनेस का। बिजनेस की और भी मैं आपके साथ बातें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन हमारा ये काम नहीं है। मेरा काम है कि आपको सिखाना कि आप पौधे किस तरीके से अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने ऑर्गेनिक तरीके से लगाया था, इसकी केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ती है कि फ्लावरिंग आ गए हैं तो पानी थोड़ा सा कम देना पड़ता है, पानी ज़्यादा देंगे तो फ्लावर ड्रॉप भी हो जाते हैं तो फिर ऊपर शिमला मिर्च नहीं लगती। अगर मैं केमिकल तरीके पर होता तो यही छोटा सा पौधा मेरा भरा होना था। ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पत्ते थे, मैंने ये देखें पत्ते काट दिए ताकि आपको शिमला मिर्च ईजी तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाए। और इसको मैं काट दूंगा तो फिर से फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि एक दफ़ा शिमला मिर्च लगी और ख़त्म, साथ साथ फ्लावरिंग भी आती रहती है इसकी। आप किसी भी कंट्री के अंदर ये इसका बिजनेस कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री के अंदर बैठकर ये वाली 3 किस्म की शिमला मिर्चों का बिजनेस इजीली कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डाला गया था, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट थी, गाय का गोबर था और लिक्विड फर्टिलाइजर थी। तीनों की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो इसको निकालते हैं एक को पहले यहाँ से। चल भी ये ले, ये अभी धोने वाली है, इसको मैं धो दूंगा ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका निकला है, मतलब खूबसूरत लगेगी। और एक इसके अंदर है, इसको भी निकाल देते हैं। लें जी, ये देखें जी, ये हमारी शिमला मिर्च और इसके अलावा ये 2 शिमला मिर्च मैंने यहाँ से निकाली हैं। तो बिल्कुल मीडियम साइज़ की थी ऑर्गेनिक में, इसको और मज़ीद मुझे मेहनत करना पड़नी थी ताकि इसका साइज़ मैं अच्छा ले सकूँ। इंशाल्लाह जो बाद में फ्लावर आएंगे उसके ऊपर हम मेहनत
करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये हमारी हार्वेस्ट थी, ये ग्रीन चिल्ली जो तीखे वाली मैंने पहले हार्वेस्ट की थी, दो पर्पल शिमला मिर्च मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।